कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित तीस महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं जो भी क्लासेस मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की प्रोवाइड की हैं अभी तक मैंने आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर की पाँच क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं तो उन क्लासेस से जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म बन सकते हैं इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं तो सबसे पहला जो फुल फॉर्म आता है एंड दैट इज़ कंप्यूटर तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है अगर हम बात करें माउस के फुल फॉर्म के बारे में तो माउस का फुल फॉर्म मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सेलेक्शन इक्विपमेंट होता है तो ये कंप्यूटर और माउस का फुल फॉर्म था जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं अगर आप लोग चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देन अगला फुल फॉर्म आता है एंड दैट इज़ सी तो सी का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जबकि जी का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है ए का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वहीं सी यू का फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है जबकि एम यू का फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है अगर हम बात करें एम आई सी आर के के बारे में जो कि फुल फॉर्म है कई एग्ज़ाम्स में आ चुका है तो एम आई सी आर का इंक करेक्टर रिकगनीजेशन होता है वहीं ओ सी आर का फुलफाम ऑप्टिकल करेक्टर रिकगनीसन होता है जबकि ओ एम आर का ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन होता है जबकि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं और जो रैम है ये दो टाइप की होती है एस रैम और डी रैम एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जबकि डी रैम का फुल फॉर्म डायनमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वहीं अगर हम बात करें रोम के बारे में तो रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है जबकि जो रोम मेमोरी होती है ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है कहने का मीन्स ये है कि जो रैम में डेटा रहता है वो टेम्प्रेरी होता है जबकि जो रोम में डेटा होता है वो परमानेंट होता है जो रोम है ये तीन टाइप की होती है बेसिकली पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी जबकि ई पी रोम e का फुल फॉर्म इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है वहीं ई पी रोम जिसको हम लोग ई टू पी रोम कहते हैं इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है इसके बाद यू पी एस तो यू पी एस का फुल फॉर्म अन पावर सप्लाई होता है जबकि पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है देन इसके बाद बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और जो बायोस है ये आपका रोम में स्टोर रहता है देन इसके बाद आता है सीमोस तो सीमोस का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है इसके बाद एस एम पी एस एस एम पी एस का मोड पावर सप्लाई होता है वहीं टेली का फुल फॉर्म ट्रांसैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स होता है ये आपके लिए एक नया फुल फॉर्म हो सकता है तो साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोस हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे आप उन वीडियोस को मिस ना कर सकें मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा देन इसके बाद यू यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस देन एफ डी यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जबकि एच का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है एंड इसके बाद एस यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव अगर हम बात करें एच और एस में क्या अंतर है तो इसमें कई सारे अंतर हैं दोनों ही ठीक है जो इसमें दोनों में सेम है वो है कि ये दोनों ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं कहने का मीन्स ये है कि इसमें आप बड़ी मात्रा में जो डेटा है स्टोर कर सकते हैं चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो या फिर एसएसडी हो बेसिकली हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर ये है जो मेन अंतर है वो है स्पीड को लेकर कि जो एसएसडी है वो एच के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है मेरे कंप्यूटर सिस्टम में हमने हार्ड डिस्क न लगाकर सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम बोलते हैं एस मैंने अपने कंप्यूटर में लगाई हुई है तो एच और एस दोनों ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं तो एस का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है सी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जबकि डी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है और आई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है सो so गाइस ये आपके तीस फुल फॉर्म थे एंड इसके अलावा सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये फुल फॉर्म भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है तो गाइस मैंने आपके साथ में इस वीडियो में तीस इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया है अगर आपके पास किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप इसे कमेंट कर दीजिए तो मैं उसके रिगार्डिंग एक इंटीग्रेटेड वीडियो बना दूंगा साथियों मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों को कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक लेवल से जो वीडियोस हैं प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और अब तक की इसके पहले पाँच क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोग मेमोरी तक की जो कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक्स हैं उनको कवर कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं देन इसके बाद हम लोग मदरबोर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे सो so गाइस अगर आप लोग चाहें तो आप इस पी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड दैट इज़ न्यू आइडियास वाइटी वहाँ से जाकर इस पी को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आप अपनी जो तैयारी है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं सो so गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप मिस ना कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए